हेलो स्टूडेंट्स, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद दिव्या। कैसे हैं सारे स्टूडेंट्स? आज का टॉपिक है गाइस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आज हम पुरुष प्रजनन तंत्र की बात करेंगे। आज से आपके जो है एक नया क्लास स्टार्ट हो रहा है जो कि है आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, मैंने इससे पहले भी इसको पढ़ाया हुआ है आपको चैनल के ऊपर, लेकिन आज हम डिटेल्ड में पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। फीमेल रिप्रोडक्टिव की तो मैंने फिर भी बात करी है, मेल की इतनी डिटेल में बात नहीं करी। आज हम इसको डिटेल में समझेंगे कि कौन सा क्या क्या फंक्शन है, क्या प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, क्या एक्सेसरी डक्ट्स हैं, कौन सी ग्लैंड्स काम करती हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। ठीक है, कैसे क्या कहाँ क्या है सब कुछ आज हम जानेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर फॉर योर एग्जाम पर्पस। आप TGT, PGT, LT, NET, DSSSB कहीं भी कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, रिप्रोडक्शन से क्वेश्चन आपको पूछा ही जाएगा। ठीक है, PGT में तो स्पेशली पूछा जाता है, तो आज हम इस सब की बात करेंगे। देखिए, ये जो क्लास है इसमें हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे सबसे पहले मेल का, फिर फीमेल का। ओके, उसके बाद मैं आपको गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस पढ़ाऊंगी। गैमेटोजेनेसिस मतलब जहां गैमेट्स बनते हैं, मेल का गैमेट स्पर्म, फीमेल का गैमेट ओवम, वो दोनों कैसे बनते हैं वो प्रोसेस अलग है, वो गैमेटोजेनेसिस में आ जाएगी। फिर हम पढ़ेंगे आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल जो कि स्पेशली फीमेल बॉडी का पार्ट है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, देन हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन, देन हम पढ़ेंगे इम्प्लांटेशन, देन फिर ब्लास्टोसिस्ट कैसे फॉर्म होता है, देन फिर जेस्टुरेशन, पार्टुरेशन, सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, मतलब ये पूरा का पूरा टॉपिक रहेगा रिप्रोडक्टिव सिस्टम से लेकर के बच्चे के जन्म तक का, आपको पूरा प्रोसेस पता होना चाहिए। आज मैं ये कोशिश करूँगी कि मैं आपको कंप्लीट ये पूरा पढ़ा चुकूँ। ठीक है, तो सारे बच्चे ध्यान से यहाँ बोर्ड पर देखेंगे और ध्यान से पढ़ेंगे। मैं हिंदी में भी बताने की आपको पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपको हिंदी में भी इसके नाम बता सकूँ, समझा सकूँ, लेकिन सजेस्ट करूँगी मैं आपको कि आप इंग्लिश में ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर आप इनके नामों को याद कर लें, याद हो जाएंगे ईजिली। ठीक है, याद हो जाएंगे ईजिली, ज़्यादा परेशानी आपको नहीं होगी। फिर भी मैं हिंदी में आपको नाम इसके बता दूँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। आज हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये टेस्टीज़ बनी हुई है, स्क्रॉटम के अंदर है, ये मैं आपको दोबारा बना के दिखाती हूँ ताकि आप मेरे साथ इसको बनाएं। ठीक, सबसे पहले तो कुछ बातें आपको बतानी है रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। उससे भी पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है, मेरे साथ लाइव चैट में कनेक्ट कर लीजिए, क्लास को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए। ठीक है, ह्यूमंस में आपके जो है सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है। ह्यूमंस डू नॉट प्रोड्यूस एसेक्सुअल। ठीक है, ह्यूमन डू नॉट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, ह्यूमन प्रोड्यूस सेक्सुअली। देखो, सबसे पहले तो आप यहां पे लिखो ह्यूमंस आर विवीपेरस। ठीक, विवीपेरस क्या होता है, और आपने टर्म सुना होगा कभी ओवीपेरस क्या होता है, ओवीपेरस। ये दोनों चीज़ें क्या हैं? विवीपेरस मतलब जिनके अंदर आपके ट्रू प्लेसेंटा होता है, जो बच्चों को जन्म देते हैं, जो कि एक बर्थ करते हैं बेबी को। ठीक है, जैसे कि ह्यूमंस, उन्हें हम विवीपेरस कहते हैं। ओवीपेरस वो होते हैं जो कि आपके एग ले करते हैं, एग ले मतलब अंडे देते हैं। ठीक है, जैसे बर्ड आपकी ओवीपेरस है, अंडे देते हैं ये लोग, एग ले करते हैं। बट कभी किसी फीमेल को आपने अंडा देते हुए सुना है, देखा है? नहीं। मेल, वो फीमेल जो है वो आपके एक बच्चे को जन्म देती है, जीते जागते बच्चे को जन्म देती है, प्लेसेंटा फॉर्म होता है, इसलिए ह्यूमंस आर विवीपेरस। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, क्वेश्चन बन सकता है, जनरल क्वेश्चन बन सकता है, जीके समान आपको पता होना चाहिए कि ह्यूमंस आर विवीपेरस। ठीक है, दे आर नॉट ओवीपेरस। ओवीपेरस कौन होते हैं? जो अंडे देते हैं। ठीक, दूसरी चीज़ आप लिखिए ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूस। मतलब ऐसा नहीं होता किसी भी ह्यूमन में कि सिंगल पेरेंट हो और बाइनरी फ्यूजन आप नहीं देखोगे कि सिंगल पेरेंट से बच्चा जन्म हो रहा है। जी नहीं, ह्यूमंस में सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है। एक मेल होता है, एक फीमेल होती है, और दोनों में कोइटल एक्ट होता है। कोइटल एक्ट के बाद जो है दोनों के गैमेट फ्यूज करते हैं, मेल का स्पर्म, फीमेल का ओवम फर्टिलाइज होते हैं, देन फाइनली आपके जो है उसको इम्प्लांट होता है वो फीमेल के यूटरस में, गर्भाशय में, और फिर एक बच्चा बनता है, भ्रूण बनता है, भ्रूण से बच्चा बनता है और जन्म होता है। ठीक है, ऐसा कब होता है? जब वो आपस में सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं। तो ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूस,
ह्यूमंस आर नॉट ए सेक्सुअल रिप्रोड्यूस ए सेक्सुअली. ए सेक्सुअली ऐसा नहीं होता, सिंगल पेरेंट्स से बच्चा जन्म ले रहा है, ह्यूमंस में ऐसा नहीं होता. तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ये बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है, इन बायोलॉजी बहुत बेसिक चीज़ें हैं कि ह्यूमंस आर विविपेरस एंड जो है ह्यूमंस में आपके क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. ठीक है, एक चीज़ आपको और यहाँ पर बतानी है, मैं ये पूरा जो है आपके बिगाड़ देती हूँ, दोबारा से बनाऊँगी इसको मैं, ताकि आपको मैं समझा सकूँ. आप मेरे साथ बनाएंगे, ठीक है, अपनी अपनी कॉपीज में सब. जब हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं, ठीक है, फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपने पढ़ा है, फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें यूटरस होता है, वजाइना होती है, बाहर का एक्सटर्नल जेनिटिलिया को हम वल्वा बोलते हैं, इंटरनल जो आपके सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं फीमेल्स में वो यूटरस है, फलोपियन ट्यूब्स है, ओवरीज हैं, ठीक है. एक टर्म आता है आपके प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके दोनों में. अगर हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं, केवल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, ठीक है, नॉट फीमेल नॉट मेल, दोनों की बात कर रहे हैं, तो दोनों में एक आपके प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है, मेल में और फीमेल में. कौन सा सेक्स ऑर्गन होता है? प्राइमरी, जिसके बिना मर्द मर्द नहीं है, औरत औरत नहीं है. प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन उसे कहते हैं जो कि गैमेट फॉर्मेट करती है, गैमेट को फॉर्म करती है. गैमेट मतलब जो मेन चीज होती है, मेन इंपॉर्टेंट जो सेल होता है गैमेट होता है, जैसे मेल में स्पर्म होता है, फीमेल में ओवम होता है, उसको प्रोड्यूस करते हैं, हॉर्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वो होते हैं जो गैमेट बनाते हैं, गैमेट फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, और इसके अलावा क्या करते हैं, हॉर्मोन प्रोड्यूस करते हैं, वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं. तो मेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है आपके टेस्टीज, टेस्टीज, ठीक है, और फीमेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है आपके ओवरीज. कितना भी यूट्रस हो, फलोपियन ट्यूब्स हो, वल्वा हो, वजाइना हो, सब कुछ हो, लेकिन अगर फीमेल के पास ओवरीज नहीं है, ठीक है, वो फीमेल फीमेल नहीं बन सकती कभी भी, क्योंकि ओवरीज में ही आपके गैमेट फॉर्मेशन होता है फीमेल में. ठीक है, यहीं पर हॉर्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LHFSH, वो सब यहीं इस पे, यही आपके इस पे ही काम करते हैं आपके ओवरीज पे. सेम मेल में टेस्टीज जो हैं आपके, टेस्टीज भी आपके दो होते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, टेस्टीज भी दो होते हैं, जैसे ओवरीज दो होती हैं, टेस्टीज भी दो होते हैं, और ये पाउच में बंद होते हैं, जैसे स्क्रॉटम बोलते हैं. ये आपके मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है. क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन. प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का मतलब यहीं पर आपके स्पर्म बनता है, स्पर्म फॉर्मेशन होता है, ठीक है, स्पर्म फॉर्मेशन होता है, यहीं पर आपके हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं, हार्मोन्स, मेल का हार्मोन होता है, मेल सेक्सुअल हार्मोन होता है आपके टेस्टोस्टेरॉन. कौन सा हार्मोन होता है? टेस्टोस्टेरॉन. एंड्रोजन्स बोलते हैं मेल हार्मोन्स को, सेक्सुअल हार्मोन्स को एंड्रोजन्स बोलते हैं, जिसमें एक मेन एंड्रोजन होता है टेस्टोस्टेरॉन. टेस्टोस्टेरॉन मर्द को मर्द बनाता है, जैसे महिला को एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन नॉट एंड्रोजन, एस्ट्रोजन एक महिला को महिला बनाते हैं. ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आई? ये मैंने क्या बताया? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत से बच्चों को ये चीज़ नहीं पता होती है. बहुत से बच्चों को लगता है जो पीनस है मेल का वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है. जी नहीं, पीनस मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन नहीं है. ठीक है, पीनस तो क्या ना, इंसेमिनेशन के लिए होता है. फीमेल की बॉडी में स्पर्म को इंसेमिनेट किस तरीके कौन करेगा ऑर्गन, वो उसके लिए है. ठीक है, बट स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए टेस्टीज होता है. सिमिलरली बहुत से लोगों को नहीं पता होता है कि फीमेल का उन्हें लगता है यूट्रस, गर्भाशय जो है वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है. जी नहीं, ओवरीज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होती हैं. जब तक ओवरीज अगर फीमेल की आप कट कर दीजिए, उस फीमेल में ना तो एग बनेगा, ना वो कभी फर्टाइल हो पाएगी, उसमें कुछ भी नहीं होने वाला. ठीक है, अगर ओवरीज वर्क नहीं कर रही हैं तो. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये दोनों चीज़ें लिखिए. और आपको बायोलॉजी के स्टूडेंट होते हुए, बायोलॉजी तो आप नहीं पढ़ते एग्जैक्टली, आप ह्यूमन एनाटॉमी पढ़ते हैं, उसके स्टूडेंट होते हुए, मेरे स्टूडेंट होते हुए, दिव्या के स्टूडेंट होते हुए, पता होना चाहिए कि मेल्स में एंड फीमेल्स में रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर हम बात कर रहे हैं तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है? टेस्टीज मेल में, ओवरीज फीमेल में. ठीक, इतना लिखिए पहले, आप लिख लिया, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं हट गई हूँ. ठीक है, चलो आप देखिए क्या बताती हूँ मैं आपको. मेल में
जो टेस्टीज हैं वो बाहर हैंग कर रही हैं बॉडी के, बाहर हैंग कर रही हैं बॉडी के मतलब बाहर है, मेल का जो आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो बाहर की तरफ है, उसकी टेस्टीज बाहर है, जबकि फीमेल्स में तो ओवरीज अंदर है, यूटेरस अंदर है बॉडी के, लेकिन मेल की टेस्टीज बाहर है। ऐसा क्यों, वाई, ऐसा क्या रीज़न है? ठीक है, ये आपके भाई साहब हैं, ठीक, भाई साहब हैं, ठीक है, भाई साहब की जो टेस्टीज हैं वो यहाँ हैं और ऐसे स्क्रॉटम में है, ठीक है, बाहर है, ये पोर्शन इनका बाहर है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस, लेकिन स्पर्म का प्रोडक्शन होता है 35 डिग्री सेल्सियस पे। स्पर्म हमारी बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 2.5% मतलब डिग्री कम होना चाहिए टेम्परेचर, तब स्पर्म का प्रोडक्शन हो सकता है। तो इसके लिए भगवान ने क्या किया, उसे बाहर लटका दिया मेल बॉडी में कि बाहर रहो, बॉडी का टेम्परेचर तो 37 ही रहेगा, हम उसको 35 नहीं कर सकते, तुम बाहर चले जाओ, ठीक है। तो ये बाहर आ गए, तो स्पर्म का प्रोडक्शन आपके 35 डिग्री सेल्सियस पे होता है, बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस जो है वो कम होना चाहिए टेम्परेचर, ठीक है। बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस, स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए कितना चाहिए, 35 डिग्री सेल्सियस। स्पर्म के प्रोडक्शन की वजह से स्पर्म 35 डिग्री सेल्सियस पर बनता है, मेल की टेस्टीज जो है वो बॉडी से बाहर है। समझ में आई ये बात, इतनी चीज़ समझ में आई, क्यों बाहर है, क्योंकि टेस्टीज में ही तो स्पर्म बन रहा है, स्पर्म टेस्टीज में बनता है, ठीक है। उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए एसेसरी डक्ट्स होती हैं, सीमन बनाने के लिए जो है आपके बहुत सी ग्लैंड्स काम करती हैं, तब जा करके वो पेनिस से इजैकुलेट हो पाता है, ठीक है, बाहर निकल पाता है पेनिस से। तो ये चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखिए कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन 37 डिग्री सेल्सियस पे स्पर्म का प्रोडक्शन नहीं हो सकता, स्पर्म का प्रोडक्शन बॉडी में थोड़ा टेम्परेचर कम चाहिए, कितना कम चाहिए, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होना चाहिए, 35 डिग्री सेल्सियस पे स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। ये चीज़ लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। मेल की टेस्टीज बॉडी से बाहर हैंग करती हैं, क्यों बाहर हैंग करती हैं, बिकॉज स्पर्म प्रोडक्शन के लिए टेम्परेचर बॉडी से कम होना चाहिए, हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, बट स्पर्म प्रोडक्शन 37 पर नहीं होता, स्पर्म की प्रोडक्शन के लिए 35 डिग्री सेल्सियस पर होती है, लगभग 2 से 2.5 जो डिग्री टेम्परेचर है वो कम होना चाहिए, ठीक, समझ में आ गया। अब हम बनाएंगे ये जो टेस्टीज हैं ये, अब हम ये इसको यहाँ एलार्ज करके बनाएंगे और समझेंगे कि क्या है, कैसे टेस्टीज वर्क करती हैं, ठीक है, स्क्रॉटम क्या है, इनकी पोजिशनिंग कौन करवाता है, कभी कभी स्क्रॉटम सिकुड़ जाता है मेल्स में तो ऐसा क्यों होता है, ये सब अब हम जानेंगे, ठीक है। स्पर्म कौन प्रोड्यूस करता है, चलिए मेरे साथ सब बनाएंगे, लेट्स मेक इट। देखिए कहाँ है टेस्टीज मेल की, एब्डोमिनल कैविटी के नीचे, ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी है भाई, ये एब्डोमिनल कैविटी है, एब्डोमिनल कैविटी के नीचे हैं, तो पहले हम एब्डोमिन बनाएंगे, एब्डोमिनल कैविटी बनाएंगे, ठीक है, ये एब्डोमिनल कैविटी है, इसमें ही आपके जो हैं मेल की टेस्टीज हैं। सबसे पहले हम ये बनाएंगे स्क्रॉटम, इसे स्क्रॉटम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्क्रॉटम लिखेंगे सब, मैं हिंदी में बाद में बताऊँगी, ठीक है, लिखिए यहाँ इसे क्या बोलते हैं, स्क्रॉटम। इस स्क्रॉटम के अंदर आपके, स्क्रॉटम क्या होता है, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि टेस्टिस को कवर करके रखा है, ऐसे टेस्टिस बाहर थोड़ी पड़ी है, एक पाउच में है, एक थैले में है, उस थैले का नाम है स्क्रॉटम। अब इसके अंदर हैं ये टेस्टिस, ये रही आपके टेस्टिस, ऐसे 2 टेस्टिस होती हैं, ठीक है, कितनी टेस्टिस होती हैं, 2 टेस्टिस, ये बात ध्यान रखेंगे सब। टेस्टिस को आई थिंक हिंदी में वृषण बोलते हैं, गिव मी अ सेकेंड, हाँ जी वृषण, हिंदी में वृषण बोलते हैं टेस्टीज को, ठीक है, 2 टेस्टीज होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। आप लिखेंगे सबसे पहले तो आप लिखेंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन मेल टेस्टीज आर, टेस्टीज जो हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है मेल का, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मतलब प्राथमिक सेक्स ऑर्गन है, अगर ये नहीं होगा स्पर्म नहीं बनेगा, ये नहीं होंगी तो टेस्टोस्टेरोन नहीं बनेगा, ठीक है, कुछ नहीं होगा, मेल मेल नहीं बनेगा अगर ये नहीं होंगी तो, टेस्टीज, ठीक, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। दूसरा लिखिए टेस्टीज
की जो शेप है वो ओवल शेप होती है, ओवल शेप, ये लिखिए, ये इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में भी गिवन है। ये शेप दिख रही है आपको, ओवल तो बनाई है मैंने, टेस्टिस की शेप ओवल होती है। इसकी लेंथ लिखिए 4 to 5 centimeter, 4 to 5 centimeter लंबाई होती है टेस्टिस की, एंड 2 to 3 centimeter जो है इसकी विड्थ होती है। लिखिए टेस्टिस की 4 to 5 centimeter लंबी होती है टेस्टिस, एक टेस्टिस की बात हो रही है, एक टेस्टिस की, ठीक है, एक वृषण की, दो वृषण होते हैं, हम एक की बात कर रहे हैं, तो जो एक में है वही दूसरे में है, सेम, ठीक है। टेस्टिस जो है वो आपके ओवल शेप की होती है, लंबाई कितनी होती है आपके 4 to 5 centimeter और 2 to 3 centimeter इनकी चौड़ाई होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी चेक कि आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं, विजिबल है जो मैंने लिखा है, हाँ विजिबल तो है, इतना लिखिए। टेस्टिस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है मेल का, टेस्टिस ओवल शेप की होती हैं, दो होती हैं मेल में, स्क्रॉटम के अंदर होती हैं, स्क्रॉटम क्या है, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर टेस्टिस होती हैं, बॉडी के आउटसाइड होती हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि इनसाइड द बॉडी होती हैं आउटसाइड द बॉडी होती है, तो टेस्टिस तो बाहर होती है ना मेल में, क्यों बाहर होती है उसका रीज़न भी आपको बता दिया, स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए, स्पर्म का प्रोडक्शन के लिए टेम्परेचर कितना चाहिए, 35 degrees Celsius चाहिए, 37 degrees Celsius पर स्पर्म का प्रोडक्शन नहीं हो सकता, 2 to 2.5 degree टेम्परेचर कम होना चाहिए, ठीक है। तो और ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, ओवल शेप है, लंबाई चौड़ाई इतना हो गया। अब देखिए, अब इसको यहां से रब कर देते हैं ये चीज, ठीक। देखिए स्टूडेंट, अब क्या एब्डोमिनल कैविटी में क्या ये केवल ऐसे ही लटक रही है, ये जो टेस्टीज हैं ये केवल ऐसे ही लटक रही हैं क्या? ऐसा नहीं है भाई, इसको भी तो ब्लड चाहिए, ब्लड वेसल होती हैं, इसमें भी ब्लड वेसल आती हैं, ठीक है, मसल्स आती हैं जो इनकी पोजिशनिंग में हेल्प करती हैं। तो ऐसा कैसे हो पाता है, हमें नहीं दिखेगा, लेकिन एब्डोमिनल कैविटी में ऐसे यहाँ पर दो ऐसे होल होते हैं इस तरीके से, ठीक है, जिसमें से ब्लड वेसल्स आती हैं, मतलब आपके जो नसें हैं, तंत्रिकाएं हैं, या जो भी आपके खून की जो नसें होती हैं, रक्त की नसें, वो सब इसी से अंदर आ पाती हैं, मसल्स अंदर आ पाती हैं, इसको बोलते हैं इनगुइनल कैनाल, इनगुइनल कैनाल, ठीक है, यहाँ से अंदर आ पाती हैं। अब जब यहाँ से अंदर आ पाती हैं एब्डोमिन में, एब्डोमिन की जो मसल होती हैं वो भी इसके अंदर आपके एंटर करती हैं, सही कर दूँ, ठीक हो गई ना, एब्डोमिन की मसल्स इसके अंदर एंटर करती हैं भाई, टेस्ट स्क्रॉटम में भी आपके मसल्स होती हैं, तो कौन कौन सी मसल अंदर एंटर करती हैं मैं वो बनाने जा रही हूँ। देखिए पहली जो मसल मैं बनाने जा रही हूँ वो है आपके क्रीमेस्टर मसल, ये एक स्केलेटल मसल है, ये स्क्रॉटम की पोजिशनिंग में हेल्प करती है, पोजिशनिंग में मतलब ठंड में थोड़े से सिकुड़ जाते हैं स्क्रॉटम, टेस्टिस थोड़ी सिकुड़ जाती हैं, क्यों, क्योंकि टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए ये बॉडी से थोड़ा चिपक जाती हैं ताकि इनको हीट मिलती रहे और स्पर्म का प्रोडक्शन होता रहे। भाई ठंड में टेम्परेचर तो 30 भी चला जाता है, 28 भी चला जाता है, लेकिन स्पर्म के लिए 35 degrees Celsius टेम्परेचर चाहिए, तो ये जो मसल्स होती है ना ये स्क्रॉटम की पोजिशनिंग में हेल्प करती हैं, स्क्रॉटम को बॉडी से चिपका देती हैं, मेल के एब्डोमिन से चिपका देती हैं ताकि गर्मी बनी रहे। तो पहली मसल जो अंदर आ रही है ये वो मैं ऐसे बना रही हूँ रेड से, और ये एक सेप्टम भी बनाती हैं, सेप्टम मतलब ऐसे दीवार सी बना देती हैं, सेप्टम मतलब दीवार, ठीक है, ऐसे सेप्टम बना देती हैं और दोनों टेस्टिस को अलग कर देती हैं, कंपार्टमेंट बना देती हैं, इसका नाम है क्रीमेस्टर मसल, ठीक है। ये जो मैंने रेड से बनाई है इसका नाम है क्रीमेस्टर मसल। ये कैसी मसल है, ये एक स्केलेटल मसल है, स्केलेटल मसल मतलब जो कि मूवमेंट करने में हेल्प करती है, आप आपके एब्डोमिन को हिला पाते हो, डिंग 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 बैली डांस कर पाते हो, ठीक है, प्राणायाम कर पाते हो बाय द स्केलेटल मसल। मैंने आपको जब स्फिंटर पढ़ाए थे डाइजेस्टिव सिस्टम में तब भी इसकी बात करी थी कि एनस के पास में आपके एक स्केलेटल मसल पाई जाती है जो कि हमारे कंट्रोल में होती है ना, अगर मान लो बाई चांस किसी को पॉटी लग गई तो थोड़ी कि बस में चलना है वो पॉटी कर देंगे, हम रोक पाते हैं, क्यों रोक पाते हैं, बाय द स्केलेटल मसल, ठीक है। तो ये हेल्प करती हैं, किस में हेल्प करती है आपके स्क्रॉटम की पोजिशनिंग में, स्क्रॉटम थोड़ा सिकुड़ जाता है ठंड में ताकि हीट से हीट मिलती रहे उसे बॉडी से। एक दूसरी मसल भी एंटर करती है, वो डाटोस मसल होती है, वो स्मूथ मसल होती है, ठीक है। एक दूसरी मसल एंटर करती है, मैं ग्रीन से बना रही हूँ ऐसे, ये भी सेप्टम बनाती है ऐसे, सेम बिल्कुल सेप्टम बनाएगी, इसका नाम है डाटोस मसल, ठीक है। क्या नाम है, डाटोस, डार्टोस, मसल्स के नाम याद होने चाहिए, डार्टोस मसल,
ये एक स्मूथ मसल है। कैसी मसल है? स्मूथ मसल है। ये दोनों ही जो हैं आपके इसकी पोजिशनिंग में हेल्प करती हैं, स्क्रॉटम को सिकोड़ने में, फैलने में। और इससे ज़्यादा पोजिशनिंग क्या बताऊँ, ठंड में देख सकते हो स्क्रॉटम सिकुड़ जाता है, तो उसमें हेल्प करती हैं। ठीक, इतना सही समझ में आ गई। अब देखिए टेस्टिस पे आ जाते हैं। टेस्टिस की लंबाई हो गई, चौड़ाई हो गई, शेप हो गई। टेस्टिस के अंदर जैसे संतरा होता है, संतरा सबने देखा है, सबने ऑरेंज खाया है, ऑरेंजेस के अंदर लोब्यूल्स नहीं होते हैं, फांके जिसे बोलते हैं, ऐसे आप छीलते हैं गप से खा लेते हैं, दूसरी तीसरी कितनी हो सकती हैं फांके। संतरा सब छीलो, संतरा का सब ऊपर से पील हटाओ, फिर अंदर क्या निकलता है, लोब्स जैसी होती हैं। आप वो सारी लोब अलग कर दो, पूरा संतरा अलग हो जाएगा। ऐसे ही टेस्टीज में, एक टेस्टीज में 250 लोब्स पाए जाते हैं। इस तरीके से लोब्स बने होते हैं टेस्टीज में, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, ऐसे कितने लोब्स बने होते हैं टेस्टीज में? 250। इसको बोलते हैं टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स। टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स दोनों में 250-250 होते हैं, एक में नहीं, केवल बोल दो दोनों को मिला के 250 होते हैं। इसमें भी 250 होते हैं, इसमें भी 250 होते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। इनकी संख्या 250 होती है ईच टेस्टीज। ठीक है, ईच टेस्टीज कितनी टेस्टीज होती हैं? 2 टेस्टीज होती हैं, ये लिखा हुआ है। ठीक है, दोनों में कितने लोब्यूल्स होते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल कितने होते हैं? 250। ये टेस्टिकुलर लोब्यूल क्या है? ये टेस्टीज के अंदर लोब्स बने हुए हैं। जैसे एक संतरा है, मैंने बता दिया, इससे अच्छा एग्जांपल नहीं दे सकती। ऑरेंज है, ऑरेंज की लोब्स होती हैं, अलग अलग कर दो सारा ऑरेंज आप खा सकते हो, ऐसे ही इसके अंदर लोब्स होते हैं। ठीक है, इन लोब्स में ही स्पर्म की प्रोडक्शन होती है, इस टेस्टिकुलर लोब में ही स्पर्म की प्रोडक्शन होती है। कैसे होती है, क्या होता है इसके अंदर, एक यहाँ बना लेती हूँ लोब में। ठीक है, मान लो एक ये लोब है, टेस्टिकुलर लोब है, इसके अंदर एक स्ट्रक्चर पाया जाता है स्टूडेंट, जिनकी संख्या 1 से 3 होती है। ठीक है, कुछ इस तरीके से धागे जैसा स्ट्रक्चर होता है, लाइक दिस, ऐसे ऐसे एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, इसको सेमिनिफेरस वेसिकल बोलते हैं। गिव मी, लेट मी चेक, क्योंकि दो नाम हैं सेम एक जैसे, बस मैं चेक कर लूँ। ऐसे स्ट्रक्चर होता है, इसका नाम होता है आपके, हाँ, सेमिनिफेरस लोब्यूल। इसको बोलते हैं आपके, रेड वाले को यहाँ लिख देती हूँ, सेमिनिफेरस लोब्यूल। ठीक है, ये सेमिनिफेरस लोब्यूल की संख्या कितनी होती है टेस्टिस के अंदर? 1 से 3। मेरी बात समझ में आई? मैंने क्या बोला, कुछ समझ में आया मैंने क्या बोला अभी तक समझाया? मैंने ये टेस्टीज बनाई हैं, ये 2 टेस्टीज होती हैं। ठीक है, ये जो ब्लैक से कवरिंग करी है, ये आपके क्या है, ये जो ब्लैक वाला है, ये स्क्रॉटम है, स्क्रॉटम, ये जो मैं डार्क कर रही हूँ, ये क्या है, ये स्क्रॉटम है। ठीक है, आज बहुत अफसोस लगता है डिजिटल बोर्ड ना होने का, एक सेकंड में कलर हो गया होता, खैर कोई बात नहीं। ये देखो, ये स्क्रॉटम है। ठीक, स्क्रॉटम क्या होता है? पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर भाई टेस्टीज हैं सेफ। ठीक, हालांकि टेस्टीज के ऊपर एक आउटर कवरिंग होती है, उसका नाम ध्यान नहीं आ रहा है, NCERT में गिवन भी नहीं है, मैं बता दूंगी। ठीक है, इस स्क्रॉटम के अंदर टेस्टीज रखी हुई हैं। कितनी टेस्टीज होती हैं? 2 टेस्टीज होती हैं, एक ये हो गई, एक ये हो गई। हर एक टेस्टीज के अंदर कितने लोब्यूल होते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल होते हैं? 250 लोब्यूल्स होते हैं, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ऐसे 250 स्ट्रक्चर होते हैं हर एक टेस्टीज के अंदर। अब मैंने इसमें से एक ले लिया है, ठीक है, इनमें से मैं एक दिखा रही हूँ। इस एक लोब्यूल के अंदर ये एक स्ट्रक्चर होता है, ये जो मैंने रेड कलर का बनाया है, इसको सेमिनिफेरस लोब्यूल बोलते हैं। इनकी संख्या एक एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 हो सकती है या 1 से 3 हो सकती है। इतनी चीज़ समझ में आई? एक तो टेस्टिकुलर लोब्यूल कितने होंगे टेस्टिस के अंदर? 250 होंगे, और हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर 1 या 1 से 3 सेमिनिफेरस लोब्यूल होंगे। ठीक है, एक तो 2 टेस्टीज हैं, दोनों में 250-250 ये लोब्यूल्स हैं, और इसमें भी इस लोब्यूल के अंदर भी ऐसे सेमिनिफेरस लोब्यूल हैं, ये धागे नुमा संरचना है 1 से 3। ठीक है, इसी के अंदर स्पर्म प्रोडक्शन होता है, स्पर्म इसी में बनता है, सेमिनिफेरस लोब्यूल में। अब हमें इसको काटना होगा, इसका क्रॉस सेक्शन देखेंगे हम, इसके अंदर कौन सी सेल्स पाई जाती हैं जो स्पर्म प्रोडक्शन करती हैं। इतना क्लियर है पहले ये बताइए, सबको क्लियर है? ओ शिट, लाइट चली गई है, वेट करना 5 मिनट गाइस, आ जाएगी।
वेट 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 यस आ गई। आज लाइट ही चली गई, क्लास लेक्चर आधा रिकॉर्ड हो रहा है, क्लास चली लाइट चली गई। चलिए फिलहाल एक बार फिर जाएगी तो ज़्यादा परेशान नहीं होना। इतनी चीज़ समझ में आ गई सबको, रिकॉर्ड तो हो रहा है ना, रिकॉर्ड तो होता रहेगा क्योंकि वो तो मेरा मोबाइल से हो रहा है। यस रिकॉर्डिंग तो चल रही है। ठीक है ठीक है, इतनी चीज़ सबको समझ में आ गई ना। ठीक है अब हम क्या करेंगे, इसको काटेंगे, इसको काट के देखेंगे इसके अंदर कौन कौन सी सेल्स होती हैं जो आपके एक लोब्यूल को ले लेते हैं और उसे कट कर लेते हैं। लोब्यूल में आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है और हर ऐसे लोब्यूल में एक से तीन हो सकते हैं। मान लो इसमें तो मैंने एक बनाया है, ठीक है, हो सकता है यहाँ पे तीन भी हो सकते हैं, हो सकता है एक और हो, हो सकता है एक और हो, ठीक है तीन भी हो सकते हैं। तो चलिए अब मैं इसको रब कर रही हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो बहुत जल्दी से, क्योंकि अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ इसका कट सेक्शन। इस लोब्यूल को मैं ऐसे काट दूंगी, ठीक है, और इसका कट सेक्शन दिखाऊंगी आपको। चलिए देखते हैं गाइज, अभी एक बार लाइट और जाएगी फिर फाइनली जो है बैकअप से मेन लाइट पर आ जाएगी। चलो अब इसको काट के देखते हैं। टेस्टीज को नहीं काटना है, टेस्टीज के अंदर लोब्यूल्स को काटना है, ठीक है। ये एक लोब्यूल था टेस्टीज का, ठीक है, इसके अंदर ये एक स्ट्रक्चर था ऐसा सेमिनिफेरस लोब्यूल वाला, सेमिनिफेरस लोब्यूल, हम इसको ऐसे काट देंगे बीच में से। तो जब इसको मैं लोब्यूल को काटती हूँ बीच में से तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर नज़र आएगा। ये है आपके लोब्यूल, ठीक, पूरा बनाती हूँ, ये वाला हटा देती हूँ। ये आपके एक लोब्यूल है ऐसे, बहुत बड़ा बन गया, कोई बात नहीं, ये एक लोब्यूल है। अब इसके अंदर चूँकि मैंने ये लोब्यूल था ये बीच में से काट दिया और अब मैं इसको आपको दिखा रही हूँ, तो इसमें आपको ऐसे दो सेमिनिफेरस दिखाई देंगे। ये दो सेमिनिफेरस कट गए, ऐसे दो सेमिनिफेरस दिखाई देंगे, ठीक है, ये दो सेमिनिफेरस ऐसे दिखाई देंगे और ये बीच में ऐसे स्पेस दिखाई देगा, ये बीच में ऐसे स्पेस दिखाई देगा। इस स्पेस को बोलते हैं इंटरस्टीशियल स्पेस, इंटरस्टीशियल स्पेस, ठीक। और ये क्या है आपके सेमिनिफेरस लोब्यूल, सेमिनिफेरस, मैं सबके नाम हिंदी में बता दूंगी चिंता मत करना, सेमिनिफेरस लोब्यूल, सेमिनिफेरस लोब्यूल थे ना, ऐसे धागे थे ना, कट गए, धागे कट गए तो आपको क्रॉस सेक्शन दिखाई देगा ना, ठीक। इसके अंदर स्टूडेंट अब इनमें सेल्स पाए जाते हैं खतरनाक वाले, जो स्पर्म बनाते हैं और जो आपके क्या बनाते हैं, टेस्टोस्टेरोन बनाते हैं। देखो सबसे पहले इस इंटरस्टीशियल स्पेस में एक बहुत ही स्टार टाइप ऑफ सेल पाए जाते हैं, ऐसे मान लो ऐसे सेल्स पाए जाते हैं, ये सेल्स पाए जाते हैं, ठीक है, ये ऐसे ऐसे इस स्पेस में पाए जाते हैं, इस स्पेस में पाए जाते हैं, मतलब ये लोब्यूल्स है तो लोब्यूल्स में ऐसे ऐसे पाए जाएंगे ये, ठीक है, और बीच में सेमिनिफेरस है, ये तो कट गया है ना, तो ये भी ऐसे लोब्यूल्स में यहाँ बड़े होंगे, ठीक है, पूरे लोब्यूल में यहाँ बड़े होंगे और सेमिनिफेरस में अलग सेल होंगे। इन सेल्स को बोलते हैं स्टूडेंट्स लीडिंग सेल्स, लाइडिक सेल, लाइडिक, लाइडिक सेल का नाम सबने सुना होगा, सबने पढ़ा होगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है, इसको लीडिंग लीडिंग नहीं, इसको एल ई वाई, ठीक है, इसको आपके लीडिक सेल बोलते हैं, लीडिक सेल, लीडिक सेल्स जो हैं आपके स्टूडेंट यही आपके एंड्रोजन्स बनाते हैं, एंड्रोजन्स, एंड्रोजन्स मतलब हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें एक सबसे मेन आपके एंड्रोजन होता है टेस्टोस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, ठीक है। ये लीडिंग सेल क्या बना रहे हैं, ये लीडिंग सेल एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बना रहे हैं जिसमें जो कि आपके एंड्रोजन्स हैं, एंड्रोजन मतलब हॉर्मोन्स बना रहे हैं, उसमें भी कौन सा मेन हॉर्मोन बनाते हैं, जो सबसे मेन हॉर्मोन होता है एक मेल के लिए वो होता है टेस्टोस्टेरॉन, कौन सा हॉर्मोन होता है, टेस्टोस्टेरॉन, ठीक। अब
आपके इसमें सेमिनिफेरस लोब्यूल में स्पर्म बनना है, ठीक है। तो इसमें एक विशेष प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं, वो ऐसे होती हैं, ऐसे आपस में बहुत टाइटली जंक्शन होता है, इसमें आपस में जुड़ी हुई होती हैं, इस तरीके से आपस में ये जुड़ी होती हैं, ठीक है। ऐसे आपस में ये जुड़ी हुई होती हैं, यहाँ पे जुड़ी होंगी बिल्कुल, ये इस तरीके से, ठीक है। इन्हें बोलते हैं आपके, ये जो मैंने ये ग्रीन वाला पोर्शन बनाया, ये ठीक, ये जो पोर्शन है, ये वाली जो सेल्स हैं, इसे आपके बोलते हैं नर्स सेल या सर्टोली सेल, नर्स सेल या फिर इसका नाम है सर्टोली सेल। सर्टोली सेल्स का नाम सुना होगा, इसी को नर्स सेल बोलते हैं, सर्टोली सेल्स बोलते हैं। इसका एक और नाम है, इसको सस्टेंटिकुलर सेल बोलते हैं, सस्टेंटिकुलर सेल। इसके तीन नाम हैं, सस्टेंटिकुलर सेल, ठीक। इसी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में आपके जो है बाहर की तरफ एक और सेल्स पाए जाते हैं, यहाँ पे सेल्स पाए जाते हैं, वो यहाँ पे, ये जो जगह बच गई ना सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, एक तो ये आपके ये वाला जंक्शन है, ये एक तो ये सेल्स पाई गई जो ऐसे कनेक्टेड हैं आपस में इस तरीके से, ठीक है। एक तो ये पाई गई आपकी, ये वाली, ये जो आप ग्रीन में दिख रही हैं आपको, बहुत टाइट आपस में कनेक्टेड हैं, एक दूसरे से बिल्कुल चिपकी हुई हैं। क्यों टाइट जंक्शन है? ताकि इसके अंदर जो चीज़ आ जाए वो बाहर ना जाने पाए। तो ये वाली सेल्स तो जो मैंने ग्रीन से बनाई है, इसका नाम तो नर्स सेल है, इनसे सर्टोली सेल्स भी बोलते हैं, सस्टेंटिकुलर सेल्स भी बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो मैं ब्लैक से बना रही हूँ, ये वाली है स्पर्मेटोगोनियम, जो स्पर्म बनाती हैं, और ये एक स्टेम सेल है, ठीक है। लेट मी चेक इन द नेम, स्पर्मेटोगोनिया, ये है आपके एक स्टेम सेल। अब जिन बच्चों को स्टेम सेल के बारे में नहीं पता है वो सुन लीजिए, स्टेम सेल हमारी बॉडी में कई जगहों पे पाई जाती हैं। ये उस तरीके की सेल्स होती हैं जो कि कोशिकाएं बनाती रहती हैं ज़िंदगी भर। ये स्टेम सेल जो हैं, एक मेल में जब उसको प्यूबर्टी हिट होती है, जब वो 13 साल का होता है, उसको प्यूबर्टी हिट होती है, तब से लेकर के 80 साल तक की एज में जो मेल है वो स्पर्म बना सकता है, और वो ये स्टेम सेल का ही जादू है। इसका नाम है स्पर्मेटोगोनिया स्पर्म बनाती हैं, ठीक है। और इसी को नरिश कौन करता है? अब ये जो सेल हैं, ये सब जिंदा हैं, इन्हें नरिशमेंट चाहिए, इसको नरिश करती हैं आपके ये सर्टोली सेल, इसलिए इसका नाम है नर्स सेल। इसमें कुछ योक्स जैसा फिल होता है जो कि इन सेल्स को आपके नरिश करती हैं। स्टेम सेल का मतलब होता है, जैसे मैं एक स्टेम सेल हूँ, मैं सेम अपनी मतलब बहुत सारी मेरे से सेल्स बनती जा रही हैं, ठीक है। माइटोसिस होता जा रहा है, समसूत्री विभाजन होता जा रहा है, मेरे जैसी हज़ारों मेरे जैसी कॉपी बस बनती जा रही हैं। जब कभी कभी ऐसा होता है मेल की डेथ भी हो जाती है, लेकिन उसमें स्पर्म प्रोडक्शन होता रहता है। 80 साल तक एक मेल जो है वो स्पर्म बना सकता है, आपको पता है उसकी बॉडी स्पर्म प्रोड्यूस करती है, और 13 साल की उम्र से, जबकि फीमेल में 50 साल पे आकर के मीनोपॉज हो जाता है, उसकी बॉडी ओवरीज बनाना बंद कर देती हैं। मेल में जो फीमेल होती है उसमें ओवरीज काम भी करना बहुत जल्दी स्टार्ट करती हैं, मैंने आपको बताया है, फीटल स्टेज में स्टार्ट कर देती हैं ओवरीज, इतना काम कर देती है विटल स्टेज में कि पूछो मत, ठीक है। और जो है ख़त्म भी उनमें जल्दी होता है। मेल में प्यूबर्टी में स्टार्ट होता है, 13 साल की उम्र में आकर के मेल में जो है टेस्टोस्टेरोन अपना काम दिखाना शुरू करता है। अगर आपने कभी टीचिंग वगैरह की हो, या कभी आपने देखा हो आपके घर में आपका भाई आई हो, तो पहले वो ऐसे बोलता है, दीदी ये कैसे होगा, मैम ये बता दीजिए। और एकदम जब उनमें टेस्टोस्टेरोन आता है 13-14 साल के होता है, मैम ये बता दीजिए, मैम आप हमें समझा दीजिए, ऐसा लगता है पता नहीं इनकी आवाज़ में क्या हो गया, कौन सा जादू इनकी आवाज़ में, एकदम मतलब इतनी भारी आवाज़, ऐसे लंबे हो जाते हैं, ऐसे देखते रह जाओ अपने उन्हीं स्टूडेंट्स को, ऐसे उनसे बात करनी पड़ती है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन उनमें सिक्रीट हो रहा होता है 13 साल के बाद, और वो एकदम से उनके अंदर ग्रोथ स्पर्ट होती है, उनकी हाइट बढ़ जाती है, ठीक है, उनके कंधे चौड़े हो जाते हैं। मेल की बॉडी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, उनके शोल्डर वगैरह चौड़े हो जाना, बीच की बॉडी उनकी अलग होती है, फीमेल्स की बॉडी में काफ़ी कर्व्स होते हैं, तो वो सब टेस्टोस्टेरोन का जादू है। तो आपको ये बात समझ में आई, मैंने कहा कितनी तरीके की सेल्स मैंने आपको बताई, एक लोब्यूल को मैंने काटा है,
जो टेस्टीज में आपके 250 लोब्यूल्स पाए जाते हैं उसमें से एक लोब्यूल को मैंने कट किया। तो जब मैंने कट किया तो बीच वाला जो पोर्शन है उसमें आपके ये सेल पाई गई जिसे आपके लेडिंग सेल बोला जाता है। लेडिंग सेल में आपके एंड्रोजन्स बनते हैं। एंड्रोजन आपके हार्मोन है, मेल हार्मोन है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट मेल हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरॉन। एक मर्द को मर्द बनाता है टेस्टोस्टेरॉन। ये स्टार है, स्टार मेल की बॉडी का स्टार है, क्योंकि ये जो है ये स्पर्म प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है, ये मेल की बॉडी को बनाने में भी हेल्प करता है, उसकी फिजिक को बनाने में भी हेल्प करता है। या दाढ़ी आना, मूछे आना, दाढ़ी आना, लड़कों की आवाज़ वॉइस भारी हो जाना, है ना, ये सब जो है आपके टेस्टोस्टेरोन का जादू होता है। कौन बनाती है? लेडिंग सेल, ठीक है। अच्छा, चूंकि ये इंटरस्टिशियल स्पेस में पाई जाती है, मैंने बताया था ना ये जो स्पेस है सारा इंटरस्टिशियल स्पेस है, ये सब ये जितना भी है, इसलिए लेडिंग सेल को आपके इंटरस्टिशियल सेल भी बोला जाता है। लिख लीजिए इसको, एंड्रोजन, इसको इंटरस्टिशियल सेल भी बोला जाता है, इंटरस्टिशियल सेल भी बोलते हैं, ठीक। और अच्छा, जो आपके ये सेमिनिफेरस, ये जो सेमिनिफेरस लोब्यूल था ये भी तो कटा है, तो जब इसको काट के देखा तो ऐसे ऐसे इसके दो हिस्से कटे हुए नज़र आए हैं। इन दो में आपके ये सेल्स होती हैं, एक तो ये वाली सेल है, ये जो आपकी ग्रीन से बनी हुई है, ये इस तरीके से आपस में चारों कनेक्ट, चारों क्या कितने भी हो सकते हैं वो तो मैंने आपको बना के दिखाया है, ऐसे कनेक्ट होते हैं। ये कौन सी सेल है? ये नर्स सेल है, इन्हें सार्टोली सेल्स भी बोलते हैं, सस्टेंटेकुलर सेल भी बोलते हैं। ये नरिश करते हैं, किसको नरिश करते हैं? स्पर्मेटोगोनिया से बनने वाली सेल्स को, ठीक है। स्पर्मेटोगोनिया ये है, ये स्पेशल टाइप ऑफ सेल, ये अलग किनारे पे पड़ी होती हैं, ये स्पर्मेटोगोनिया है जो कि आपके एक स्टेम सेल है। स्टेम सेल मतलब जो सेल्स बनाती रहती है, जिसमें समसूत्री विभाजन होते रहता है, ठीक है, उसे हम स्टेम सेल बोलते हैं। और ये जो है स्पर्म को प्रोडक्शन करती हैं, स्पर्म यहाँ पे प्रोड्यूस होता है। इतनी चीज समझ में आई सबको? स्पर्मेटोगोनिया सेल जो कि स्टेम सेल है कभी ख़त्म नहीं होती, 13 साल से लेकर 80 साल तक के मर्द में स्पर्म बनाते रहते हैं, ठीक है। इतनी चीज़ सबको समझ में आई कि नहीं समझ में आई, एक बार मुझे पहले ये बता दो। ये क्रॉस सेक्शन देख रहे हो आप, ये क्रॉस सेक्शन है किसका, किसका क्रॉस सेक्शन है? एक लोब्यूल का। मैंने एक लोब्यूल, जो 250 लोब्यूल होते हैं उसमें से एक लोब्यूल टेस्टिस से नोच लिया और उसे कट कर दिया, उसे दिखाऊंगी अपने स्टूडेंट्स को, तो मैं दिखा रही हूँ आपको, ठीक है। उनमें कितनी तरीके की सेल्स पाई जाती हैं? इंटरस्टिशियल स्पेस में आपके लीडिंग सेल्स पाई जाती हैं, लीडिंग सेल्स को ही, जो लीडिंग सेल्स हैं उसी को ही वो आपके टेस्टोस्टेरोन बनाती हैं। और बीच में आपके सेमिनिफेरस लोब्यूल में आपके, तो देखिए अल्टीमेटली स्पर्म कहाँ बन रहा है, अल्टीमेटली स्पर्म कहाँ बन रहा है? स्पर्म तो सेमिनिफेरस लोब्यूल में बन रहा है ना, स्पर्म तो सेमिनिफेरस लोब्यूल में बनना है ना, क्योंकि देखो सेमिनिफेरस लोब्यूल में ये सेल्स पाई जा रही हैं। कौन सी? स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया तो आपके सेमिनिफेरस लोब्यूल में है, और जो ये बाहर का एरिया है यहाँ पे कौन सी, ये जो मैंने दिखाई है रेड रेड से, ये कौन सी हैं आपके? ये हैं आपके लेडिंग सेल्स जो टेस्टोस्टेरोन बनाती है। अब हमारी बॉडी में, हमारी ह्यूमंस की बॉडी में कोई भी सेल ऐसे काम नहीं करती, ये आप जानते हैं। हमारी बॉडी में काम करवाते हैं ये पिताजी, ये यहाँ यहाँ बैठे हैं आपके हाइपोथैलेमस, ठीक है, वो काम कराते हैं। आपको मैंने बताया था हमारी पूरी बॉडी का कोऑर्डिनेशन ब्रेन एंड एंडोक्राइन सिस्टम सेट करता है, ठीक है। क्या लगता है आपको, टेस्टोस्टेरोन ऐसे ही निकाल देगी लेडिंग सेल? निकाल देगी, ऐसे ही निकाल देंगी? जी नहीं। इस सब कुछ है मेल के पास, सब कुछ है, लेकिन उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन नहीं बन रहा। हो सकता है उसके हाइपोथैलेमस में प्रॉब्लम है, उसकी पिट्यूटरी ग्लैंड में प्रॉब्लम है, ठीक है। ये सबसे मेन है जो आपके यहाँ बॉडी में है, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, अब इनका रोल आएगा, क्योंकि ये सब इंटरकनेक्टेड है। और मैंने आपको बताया है हमारी बॉडी का कोऑर्डिनेशन मेंटेन करता है हमारा ब्रेन एंड एंडोक्राइन सिस्टम, उसकी भी मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक। तो अब आ जाए, इसका स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, वरना मैं दोबारा से समझा दूंगी। हाँ देखिए अब क्या होता है, मैं छोटा सा यहाँ पे बना लेती हूँ ये भी, और इधर मैं आपको हार्मोनल कंट्रोल समझाती हूँ, ठीक है। कैसे ये हार्मोनल कंट्रोल होता है, कैसे हार्मोन्स हमारी बॉडी पे, मेल की बॉडी पे वर्क करते हैं, टेस्टोस्टेरोन बनेगा या फिर आपके क्या बनेगा, सार्टोली सेल्स कैसे काम करेंगी, क्या होता है। देखो
अब जब मेल 13 साल का होता है, ठीक है, 13 साल में मेल में प्रोडक्शन होती है आपके किसकी, टेस्टोस्टेरोन की। देखो यहाँ पे मैं छोटा सा बना लेती हूँ, लोब्यूल्स ऐसे बनाया था मैंने, इसके अंदर 2 सार्टोली सेल्स थी, ठीक है, ये ऐसे आपस में जो थी ऐसे कनेक्टेड थी इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे स्पर्मेटोगोनिया पड़े थे, ये स्पर्मेटोगोनिया पड़ा था, ये आपके सार्टोली सेल्स थी जिसे हम नर्स सेल बोलते हैं। इधर इधर बाहर जो है आपके लेडिंग सेल्स पड़ी थी, ठीक है, लेडिक सेल्स बोलते हैं इसे, ठीक। ये हो गई आपके कौन सी, सार्टोली सेल, ठीक है, और ये आपके हो गया स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है, जो जो कि आपके स्पर्म बनाएगा। वो हम मैं आपको पढ़ाऊंगी स्पर्म कैसे बनता है, कैसे माइटोसिस और मियोटिक डिवीजन होता है, जब हम पढ़ेंगे गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। अभी सिर्फ आप रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं। अब क्या होता है, अब सबसे पहले हाइपोथैलेमस सबको पता है कहाँ होता है, जिसने नहीं देखा है वो मेरा क्लास लगाएंगे, कौन सा वाला, एंडोक्राइन सिस्टम वाला। ये आपके सेरिब्रम है, ठीक है, ये आपके ऐसे मेड्यूला है, ये वाला, ये सेरिबेलम है, टिक 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 टिक, यहीं पर आपके ग्लैंड होती है। ये कौन सा व्यू है, ये साइड व्यू है, ठीक है, ये कौन सा व्यू है, ये साइड व्यू है ब्रेन का, सेरिब्रम सबसे बड़ा पार्ट होता है। ये हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस में नीचे एक ग्लैंड होती है जिसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है, ये एंटीरियर पोर्शन है पिट्यूटरी का, ये पोस्टीरियर पोर्शन है पिट्यूटरी का, ये एडिनो हाइपोफाइसिस है, ये न्यूरो हाइपोफाइसिस है, ठीक है, समझ में आ गया सबको, ये है हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस से आपके एक हार्मोन सिक्रीट होता है जो पिट्यूटरी को जाके स्टिमुलेट करता है कि जाओ लड़का जवान हो रहा है, उसमें टेस्टोस्टेरोन निकलवाओ, जिसका नाम है जी एन आर एच, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन बोलते हैं इसे, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH, ठीक है। हाइपोथैलेमस से क्या रिलीज हुआ, GnRH, दोनों में सेम होता है, मेल में भी फीमेल में भी, दोनों में, क्योंकि गोनाड ग्लैंड पे जाके काम करना है ना, गोनाड ग्लैंड मतलब ओवरीज पे फीमेल में काम करेगा, मेल पे टेस्टिस पे काम करेगा। चूंकि हम मेल पढ़ रहे हैं तो मैं मेल में बात करूंगी अभी, ठीक है, फीमेल में बात नहीं करूंगी, ठीक है। ये आके काम करता है आपके पिट्यूटरी पर, पिट्यूटरी, मुझसे पिट्यूटरी की स्पेलिंग गलत होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड पर आके काम करता है ये, ठीक। GnRH कहता है, देखो अब फिर आएगी लाइट, यार आज के लेक्चर में लाइट चली गई दो बार, आ गई, रुको पानी पी लूँ इसी बात पे। ये किस पे काम करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड पे काम करता है, ठीक है, सबको दिख रहा है ना, सब कुछ विजिबल है ना, लेट मी चेक, पिट्यूटरी ग्लैंड पे काम करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड दो हार्मोन सिक्रेट करती है, एक का नाम है LH और एक का नाम है FSH, ठीक है। मेल में LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, ठीक है, और FSH का नाम है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इस दोनों के नाम फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के आधार पर रख दिए गए हैं, लेकिन ये मेल में भी काम करते हैं, ठीक है। LH का मेल में नाम है ICSH, एक सेकेंड लेट मी चेक, मैं फिर से चेक कर लूँ, हाँ ICSH भी बोलते हैं मेल में, LH को ICSH भी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि LH काम करता है इन सेल्स पर, लीडिंग सेल्स पर, ठीक है। LH किस पे काम करता है, लीडिंग सेल पे काम करता है, और लीडिंग सेल को आपके इंटरस्टिशियल सेल बोलते हैं, अभी बताया था मैंने आपको, क्योंकि ये इंटरस्टिशियल स्पेस में पाई जाती हैं, ये यहाँ इंटरस्टिशियल स्पेस में पाई जा रही हैं, इसको इंटरस्टिशियल सेल भी बोलते हैं। ICSH का नाम होता है इंटरस्टिशियल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इंटरस्टिशियल, एक सेकेंड लेट मी चेक, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। क्या बोला मैंने अब तक, मैंने बोला क्या कोई भी सेल ऐसे ही काम करने लगेगी, अगर ऐसा होता तो भाई हाँ, मैंने क्या बोला,
कोई भी सेल के ऐसे ही काम करने लगेगी? जी नहीं। अगर ऐसा होता तो जब बच्चा पैदा होता तभी टेस्टोस्टेरोन बनने लगता लड़के में, ऐसा नहीं होता। कोई भी सेल एक टाइम पर आके काम करता है, स्टिमुलेट होता है, उसे हॉर्मोन्स स्टिमुलेट करते हैं आके, और ये काम होता है हमारी ग्लैंड, हमारे पिताजी ग्लैंड का, जिसे हम हाइपोथैलेमस बोलते हैं। देखो, मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी पिट्यूटरी है, इसमें कोई दो राहें नहीं है, ठीक है, लेकिन उसका भी पिताजी है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से लड़के में, जब वो लड़का 13 साल का होता है, तो एक GnRH रिलीज होता है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो कि पिट्यूटरी से जाके कहता है जा बच्चे जा, अब LH निकाल दे, FSH निकाल दे, लड़का जवान हो रहा है, उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन की ज़रूरत है, अब स्पर्म बनाने की ज़रूरत है, उसकी बॉडी को ग्रोथ की ज़रूरत है, उसके अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप करने की ज़रूरत है, उसकी आवाज़ भारी करनी है, हल्की हल्की मूछें लानी है, दाढ़ी लानी है, उसकी बॉडी फिजिक को बढ़ाना है, टेस्टोस्टेरोन करेगा ये सारा काम। पिट्यूटरी कहती है ओके पापा। पिट्यूटरी निकालती है LH एंड FSH, ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। LH का नाम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ICSH भी है, क्यों? क्योंकि LH, देखो L से L और यहाँ भी L है, L किस पे काम करेगा, L पे काम करेगा, L काम करता है लीडिक सेल पे, ठीक है, जो लीडिक सेल्स होती हैं जो कि आपके टेस्टोस्टेरोन बनाती हैं, टेस्टोस्टेरोन बनाती हैं, हार्मोन बनाती हैं, इस पर जाकर के ये काम करेगा और क्या बन जाएगा, टेस्टोस्टेरोन बनेगा। अल्टीमेटली अब हमें क्या मिलेगा, टेस्टोस्टेरोन मिलेगा, ठीक है, जो कि तगड़ा हार्मोन है मेल का, ये मेल की बॉडी का स्टार है, स्टार लगा लो जितने लगाने, मैं तो 5 लगा देती हूँ, 5 स्टार, ठीक है। इसको ICSH क्यों बोला गया, क्योंकि लीडिंग सेल कहाँ पड़ी हुई है, इंटरस्टिशियल स्पेस में पड़ी हुई है, ठीक है, लोब्यूल के, ये लोब्यूल था, इसमें ऐसे ही स्पेस में पड़ी हुई है लोब्यूल के, तो इसलिए इसका नाम इंटरस्टिशियल सेल भी बोलते हैं लीडिंग सेल को, और इसलिए इस हार्मोन को इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। अब हमें क्या मिलेगा, टेस्टोस्टेरोन। अब ये जो लीडिंग सेल है ये क्या निकालने लगेंगी, ये जो आपके लीडिंग सेल्स थी, यहाँ पे लीडिंग सेल्स जो थी, लीडिंग बोल रही हूँ मैं, लीडिंग सेल्स LEYDIG लीडिंग सेल्स, ठीक है, ये लीडिंग सेल अब ये स्टार निकालने लगेंगी, ये स्टार निकलने लगा, टेस्टोस्टेरोन निकलने लगा, ठीक है, निकलने लगा टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। अब FSH किस पे काम करेगा, मेल में जो FSH है ये आपके सर्टोली सेल पे काम करता है, सर्टोली सेल, ठीक है, किस पे काम करता है, सर्टोली सेल पर, यहाँ लिख लेंगे पूरा ऐसे बना लेंगे, सर्टोली सेल, जिसे आप नर्स सेल के नाम से भी जानते हैं, जो क्या करती है, जो न्यूट्रिशन देती है, स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म बनना है, उसे न्यूट्रिशन देती है। अब यहाँ क्या होता है, स्पर्मेटोगोनिया, जो स्पर्मेटोगोनिया है, ये वाली जो सेल है, ये स्पर्म बनाती है, लेकिन बिना टेस्टोस्टेरोन के नहीं बना सकती, बिना टेस्टोस्टेरोन के नहीं बना सकती, इसको टेस्टोस्टेरोन अंदर चाहिए, तो टेस्टोस्टेरोन जो है ये बहुत दुष्ट है, ये अंदर जाके निकल आता है बाहर, ये अंदर जाता है, ये बाहर निकल आता है। तो FSH सर्टोली सेल पे काम करती हैं और सर्टोली सेल एक केमिकल निकालती हैं, कहती हैं ऐसी कि तैसी तू जाएगा बाहर, हम टाइट जंक्शन क्यों किए हुए हैं आपस में, तुझे बाहर नहीं जाने देंगे, स्पर्म बनाना है हमें। ABP एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन्स क्या निकालती हैं सर्टोली सेल्स, ABP निकाल देती हैं, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, और ये क्या करती हैं, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन मतलब इस एंड्रोजन को बाइंड करने वाला प्रोटीन, और ये जो टेस्टोस्टेरोन है अब ये अंदर जाता है और इसको यहाँ पर ये बाइंड कर लेती हैं। FSH की वजह से सर्टोली सेल से एक केमिकल रिलीज होता है जिसको हम ABP बोलते हैं, क्योंकि भाई टेस्टोस्टेरोन चाहिए स्पर्म बनाने के लिए, और बॉडी में सेक्सुअली जो सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, पीनिस के साइज़ के लिए भी चाहिए, पेनिस का साइज़ बने बढ़िया, शेप एंड साइज आए, स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए, लड़के को मर्द बनाने के लिए टेस्टोस्टेरोन चाहिए, तो टेस्टोस्टेरोन अंदर जाना चाहिए सर्टोली सेल्स में, लेकिन ये जाके बाहर आ जाता है, तो वो कहती हैं ऐसी कि तैसी बाहर जाएगा, हम तुझे बाइंड कर लेंगे, कैसे जाएगा, तो वो ABP निकालती हैं, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, और ये जो है इसको एंड्रोजन को यहाँ पे बाइंड कर लेती हैं, या जो टेस्टोस्टेरोन लीडिंग सेल निकाल रही थी ये अंदर गया इसके और इसको ये बाइंड कर लेती हैं फाइनली, और फिर स्पर्मेटोगोनिया आराम से स्पर्म प्रोडक्शन कर सकता है, ठीक है, समझ में आ गया। अब टेस्टोस्टेरोन तो बॉडी को
मेल की पूरी बॉडी को चाहिए। तो ये ब्लड वेसल से होता हुआ, क्योंकि ये टेस्टीज में बन रहा है, टेस्टीज में मैंने आपको बताया ब्लड वेसल्स भी आएंगी, ब्लड वेसल से होता हुआ पूरी बॉडी में जाता है, ठीक है, पूरी बॉडी में जाता है। और मेल को मैम कैसी है भारी आवाज़ और मूछे, दाढ़ी, कंधे चौड़े, अच्छी कर्व, एकदम ऐसी बॉडी जो है मेल को प्रोवाइड करता है, सुंदर सी बॉडी, लंबाई, लड़के एकदम से लंबे हो जाते हैं ऐसे देखो, ऐसे गर्दन टेढ़ी हो जाए, ठीक है, लंबाई प्रोवाइड करता है। फिर ये भाई, अब ऐसा थोड़ी है बॉडी में टेस्टोस्टेरोन निकलते ही जाएगा, मेल को भीमकाय बना दिया। ये कहता है बस जितनी ज़रूरत थी उतने हम निकल गए। तो ये वापस जाता है पिट्यूटरी के पास, ठीक है, और अपनी सिक्रीशन को बंद करवाता है। ये भी मैंने आपको समझाया था जब मैंने आपको एंडोक्राइन सिस्टम बताया था, इसे नेगेटिव फीडबैक कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? नेगेटिव फीडबैक बोलते हैं। पिट्यूटरी के पास तो जाएगा भैया, अपने दादाजी के पास भी जाएगा, कहेगा बस दादाजी GnRH निकालना बंद करो, हम निकल लिए जितने निकलना था, हो गया हमारा काम, लंबाई क्या अब क्या 8-10 फुट का बनाना है क्या, बस जी बस हमारी जो है सब कुछ हो गया, हम नेल की बॉडी में अच्छा काम कर रहे हैं, जितना ज़रूरत है उतना हम निकल लिए हैं, अब बंद करो। तो टेस्टोस्टेरोन अपनी प्रोडक्शन को खुद बंद करवाता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, और हाइपोथैलेमस से GnRH को भी निकलना रोकवाता है, LHFSH को भी रुकवाता है, जितना ज़रूरी है बस उतना ही निकलवाता है। इस ऐसे चीज़ को हम नेगेटिव फीडबैक कहते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं? ऋणात्मक फीडबैक को क्या बोलेंगे? पुष्टि, जो भी बोलते हैं, नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक क्या होता है, इसकी डेफिनेशन लिख लेंगे सब। नेगेटिव फीडबैक वह होता है जब कोई वैन समथिंग स्टॉप इट्स ओन प्रोडक्शन बाय गोइंग बैक टू द पेरेंट, जब कोई अपनी ही प्रोडक्शन को वापस जाकर के अपने पिताजी से, अपने पेरेंट से बंद करवाता है, उसको हम नेगेटिव फीडबैक कहते हैं। इतनी चीज़ समझ में आई आप लोगों को कि नहीं समझ में आई, जल्दी बताइए। ये है आपके हार्मोनल इफ़ेक्ट कि कैसे काम करेंगे। अब जब LH आया, FSH आया, तभी तो लीडिंग सेल से टेस्टोस्टेरोन निकला। अब टेस्टोस्टेरोन लीडिंग सेल ने निकाल दिया, अब इसकी ज़रूरत है स्पर्म बनाने के लिए, तो ये सर्टोली सेल्स के अंदर जाता है, सर्टोली सेल्स इसको बाइंड कर लेती हैं। किसकी वजह से बाइंड कर पाती हैं? क्योंकि FSH सर्टोली सेल पे काम करता है, FSH सर्टोली सेल्स पे काम करता है, सर्टोली सेल्स निकालती हैं ABP, ठीक है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, एंड्रोजन को बाइंड करने वाला प्रोटीन, और फाइनली ये बाइंड कर लेती हैं। फिर जो ये स्पर्मेटोगोनिया हैं, ये जो बने हुए हैं, ये आराम से स्पर्म बना सकते हैं। इतनी चीज़ सबको समझ में आई कि नहीं आई, मैं एक बार रिवाइज कराना चाहती हूँ। फिर मैं आपको कल जो है पूरा जो मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेन जो चीज़ें होती हैं, अभी तो वो तो सब कुछ बचा ही है, अभी तो केवल मैं आपको हार्मोनल ही समझा पाई हूँ। पहले बताइए, इतना समझ में आया समझ में? चलो मैं रिवाइज़ करा देती हूँ एक बार फिर से, ठीक है, बहुत जल्दी से मैं रिवाइज़ कराती हूँ, सब समझ में आ जाएगा। इधर देखेंगे सब ध्यान से, 2 बार लाइट चली गई आज के लेक्चर में, कोई बात नहीं है, होते रहता है, छोटी छोटी चीज़ें तो होती रहती हैं। इधर देखो सारे मेरी तरफ, ठीक, हमने क्या बताया, मेल की टेस्टीज सबसे पहले तो बॉडी के आउटसाइड हैं, ठीक है, बॉडी के कहाँ हैं? आउटसाइड है मेल के टेस्टीज भैया, ये हैं, ये एब्डोमिनल कैविटी है, एब्डोमिन है, ऐसे करके ये स्क्रॉटम है, स्क्रॉटम में आपके 2 टेस्टीज हैं। इधर देखो मेरा वो कहा है मार्कर, ये 2 टेस्टीज हैं, ठीक, ओवल शेप है, 2 टेस्टीज हैं। इन टेस्टीज में ऐसे 250 लोब्यूल्स पाए जाते हैं, हर एक टेस्टीज में ऐसे 250 लोब्यूल्स हैं, ठीक है, ये यहाँ भी होंगे 250 लोब्यूल्स, ठीक। इस एक लोब्यूल को मैं, इस एक लोब्यूल को बड़ा करके बना लेती हूँ, इस एक लोब्यूल में आपके, इसको टेस्टिकुलर लोब्यूल बोलते हैं, इस एक लोब्यूल में आपके एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, ऐसे धागे नुमा स्ट्रक्चर पाया जाता है, इसकी संख्या 1 भी हो सकती है, इसकी संख्या 3 भी हो सकती है, लेकिन 3 से ज़्यादा नहीं होती। NCERT में गिवन है कि इसकी संख्या लोब्यूल्स के अंदर, और ये सब में होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, सब 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 250 लोब्यूल्स में होगा, ठीक है, लेकिन इनकी संख्या, ये जो धागे नुमा रचना है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, इनकी संख्या 1 या 1 से 3 होती है, ठीक है। अब मैं ये एक जो है यहाँ से नोच ले रही हूँ इसकी टेस्टिस से और बाहर दिखाती हूँ आपको, ठीक है, अब मैं इसको बाहर बनाऊँ, चलो बाहर बनाती हूँ। ये मैंने एक लोब्यूल नोच लिया, यहाँ से नोच के मैं यहाँ बनाती हूँ, ये लोब्यूल है, ठीक है, ये लोब्यूल है, और इसके अंदर जो है आपके ये सेमनीफेरस लोब्यूल है, ऐसा धागेनुमा स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये यहाँ पर इंटरस्टिशियल स्पेस में ये सेल्स पड़ी हुई हैं, ये कौन सी सेल्स हैं?
कौन से सेल्स है, लीडिंग सेल्स है ना, ये लीडिंग सेल्स पड़ी हुई हैं, ये पड़ी हैं मान लो, ठीक। मैंने इसको बीच में से काट दिया, इसको मैंने बीच में से कट कर दिया क्योंकि मुझे इसका क्रॉस सेक्शन देखना है। तो जब मैंने कट किया, इसको कट किया, ये मान लो ये मैंने इसको कट किया और फिर मैं आपको इसको ऐसे सीधा करके दिखा रही हूँ, ठीक है। तो ये यहाँ पर ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिखेगा, ये ऐसे मुझे ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल नज़र आ रहा है और ये मुझे ऐसे सेल्स नज़र आ रही हैं, ये सेल्स नज़र आ रही हैं, ठीक है। ये वाली सेल को मैंने क्या बोला, लेडिक सेल, लेडिक सेल्स जो क्या बनाती हैं, जो एंड्रोजन बनाती हैं, एंड्रोजन मतलब हार्मोन बनाती हैं, मेन एंड्रोजन कौन सा है, फिर मेल का टेस्टोस्टेरॉन बनाती हैं, ठीक है। लेडिक सेल टेस्टोस्टेरॉन बनाती हैं, आपको याद होना चाहिए। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में मैंने क्या देखा, अरे ऐसे बड़ा अजीब सा स्ट्रक्चर है, इस तरीके से बड़ा जो सेल्स है उन्होंने आपस में एक दूसरे को ऐसे बिल्कुल टाइटली बांध के रखा हुआ है, ऐसे टाइटली बांध के रखा हुआ है। ये वाली जो सेल्स हैं ये, इनका नाम है नर्स सेल या सर्टोली सेल, क्या बोलते हैं इसे, नर्स सेल, क्योंकि ये न्यूट्रिशन देंगी, ठीक है, या सर्टोली सेल सर्टोली सेल, ठीक। फिर मैंने देखा तीन तरीके की सेल्स पाई जा रही हैं, एक सेल ये यहाँ अलग से पाई जा रही है, एक सेकंड देना, ये पाई जा रही हैं एक तरीके की सेल, ये यहाँ ऐसे, ये स्पेशल सेल हैं, कुछ चिपकी हुई कोने पे बिल्कुल, ये हैं स्पर्मेटोगोनिया, कौन सी हैं, स्पर्मेटोगोनिया जो फाइनली स्पर्म बना रही हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, क्या ये सारी सेल्स ऐसे ही काम करेंगे, नहीं जी, ये सारी सेल्स ऐसे काम नहीं कर सकती, इस पर आके काम करता है सबसे पहले हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस से निकलता है GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये गोनाड्स हैं, इसकी सेल्स को रिलीज़ करवाना है, इससे टेस्टोस्टेरॉन निकलवाना है, ठीक है। सर्टोली सेल्स नरिश करेंगी, स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म बनवाने हैं, तो क्या करें, तो भैया GnRH काम करता है पिट्यूटरी के ऊपर, पिट्यूटरी के ऊपर आके काम करता है, पिट्यूटरी से निकलता है LH, इसको मेल की बॉडी में ICSH भी बोलते हैं, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी बोलते हैं, इसका नाम होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फीमेल के सेक्स डब उसके आधार पर इसके नाम रखे गए हैं। दूसरा निकलता है FSH, ठीक है। देखो ये L है, L L पे जाके काम करेगा, L अपने L पे चला जाता है, L काम करता है आपके लीडिंग सेल के ऊपर, ठीक है, लीडिंग सेल के ऊपर, इसे इंटरस्टिशियल सेल भी बोलते हैं, ध्यान रखना, इसीलिए मैं नाम बार बार बता रही हूँ क्योंकि लास्ट TGT में पिट्यूटरी के एंटीरियर पोर्शन का नाम एडिनो हाइपोफाइसिस था और वो मैंने अभी आपको लेटेस्ट पढ़ाया भी था, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, आप लोग समझते हैं एनाटॉमी में कि हम क्यों इतने डिटेल में जाएं, फिर क्वेश्चन में नंबर जाते हैं। इंटरस्टिशियल सेल भी बोलते हैं लीडिंग सेल को, और टेस्टोस्टेरॉन का निर्माण करती है, मान लो क्वेश्चन पूछ ले टेस्टोस्टेरॉन का निर्माण होता है लीडिंग सेल, ऑप्शन में ही नहीं है, क्या लगाओगे, ऑप्शन में है इंटरस्टिशियल सेल, इसलिए बता रही हूँ, उसका नाम ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये एल एल पे जाके काम करता है और फाइनली एंड्रोजन निकलता है, कौन सा, और भी एंड्रोजन्स निकलते हैं लेकिन मेन जो हार्मोन है वो निकलता है टेस्टोस्टेरॉन, मेल का स्टार हार्मोन जो मेल को मेल बनाता है, ठीक है, मेल का स्टार हार्मोन, ठीक भैया। FSH काम करता है जाके इसके ऊपर सर्टोली सेल के ऊपर, ये सर के ऊपर, सर्टोली सेल के ऊपर जाके FSH काम करता है, क्यों काम करना पड़ता है सर्टोली सेल के ऊपर जाके FSH को, क्योंकि ये टेस्टोस्टेरॉन चाहिए, ये यहाँ बाहर घूम रहा है, ठीक है, ये स्टार बाहर घूम रहा है, इसको अंदर बुलाना है, ये है स्पर्मेटोगोनिया, इससे स्पर्म बनवाना है तो इसको अंदर आना चाहिए, तो भैया इसको अंदर बुलाओ। अब ये इतना दुष्ट है, ये बाहर भाग आता है, तो क्या करता है FSH, कहता है इससे सर्टोली सेल से, ऐसा है कुछ निकालो, कुछ केमिकल रिलीज करो, इसको यहीं बाइंड करो, इतना टाइट जंक्शन है तुमने अंदर करा हुआ, बाइंड करो इसे। तो ये निकालते हैं ABP जिसका नाम है एंड्रोजन को बाइंड करने वाला प्रोटीन, ठीक है। फाइनली ये जो स्टार है ये अंदर घुसता है, ये घुस रहा है और इसको यहाँ पर जो ये सेल्स हैं सर्टोली सेल्स, इसको पकड़ लेती हैं, कहती है टेस्टोस्टेरॉन यहीं रहो, हमें स्पर्म बनाना है, स्पर्म के लिए तुम्हारी ज़रूरत है, और टेस्टोस्टेरॉन स्पर्म बनाने में स्पर्मेटोगोनिया को हेल्प करता है, ठीक है। ये नर्स सेल है, ये नरिशमेंट देती रहती हैं। स्पर्मेटोगोनिया कैसे सेल बनाता है ये तो अभी बहुत दूर की बात है, अभी आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल का पूरा पढ़ना बाकी रह गया है, अभी तो सिर्फ आपने टेस्टीज के बारे में पढ़ा है, आज केवल आप टेस्टीज समझ पाए हैं,
आई होप मैं आपको समझाने में सफल हो पाई हूँ। टेस्टीज क्या हैं, कहाँ प्रेजेंट होती हैं, लोब्यूल्स, लोब्यूल्स में कौन सी सेल पाई जाती हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल होते हैं 250, उन टेस्टिकुलर लोब्यूल में आपके दो तरीके की सेल होती हैं, एक तो सेमिनिफेरस लोब्यूल होता है और बीच बीच में लेडिक सेल भी पड़ी होती है। ऑब्वियसली ये भी मैंने दिखाया ना, ये पड़ी है लेडिक सेल। लेडिक सेल आपके टेस्टोस्टेरोन बनाती हैं, इसको इंटरस्टिशियल सेल्स के नाम से भी जानते हैं, मेल के बॉडी में, मेल रिप्रोडक्टिव में इसको ICSH के नाम से भी जानते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे सारे बच्चे। अच्छा, टेस्टोस्टेरोन ही नेगेटिव फीडबैक देगा पिट्यूटरी के ऊपर, अपनी प्रोडक्शन बंद करवाएगा, और टेस्टोस्टेरोन ही हाइपोथैलेमस को जो है क्या करेगा, देगा भाई कि अपनी प्रोडक्शन, मेरी प्रोडक्शन बंद करो, ठीक है। सेम सर्टोली सेल्स भी जो हैं, ये भी एक इनहिबिन कह सकते हैं, या इनहिबिट केमिकल रिलीज करती हैं, ये भी इनहिबिट केमिकल रिलीज करती हैं, और ये FSH की प्रोडक्शन को ये भी कम कराने में हेल्प करती हैं, सर्टोली सेल्स, ठीक है। इनहिबिट या लिख सकते हैं इनहिबिन केमिकल एक ये रिलीज करती हैं, ये भी आपके FSH की जो मतलब वो है प्रोडक्शन है, इसको कम करवाने में हेल्प करती हैं ये भी, ठीक है। बाकी टेस्टोस्टेरोन तो करता ही है। इसके अलावा टेस्टोस्टेरोन मेल की बॉडी में ब्लड वेसल से होता हुआ, टेस्टिस से ब्लड वेसल से होता हुआ ऊपर आता है, जो कि मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं उनको डेवलप करने में हेल्प करता है, ठीक है। पीनिस का साइज़ और जो भी है, मैंने आपको बता दिया, दाढ़ी मूछें वगैरह, आवाज़ भारी होना, इसमें सब में हेल्प करता है। आई होप आई एम वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आज मैंने केवल आपको इतना ही समझाया, अब मैं ज़रा इसके हिंदी में नाम बता देती हूँ, गिव मी अ सेकेंड। देखो भैया हिंदी में क्या नाम है, लड़कों में जो आपके ये है प्यूबर्टी है, ये 13-14 साल में हिट होती है, ठीक है, 12-13 साल ही होता है, 13-14 साल में हिट होती है प्यूबर्टी, तभी इनमें स्पर्म प्रोडक्शन होता है और 80 साल तक चलते रहता है, ठीक है। चलो जी देखो भाई, टेस्टिस को बोलते हैं वृषण, ठीक है, क्या बोलते हैं, वृषण। वृषण जिस कोश में रहता है, स्क्रॉटम, स्क्रॉटम को बोलते हैं वृषण कोश। चलिए ये लिख लीजिए आप लोग, ये इंपॉर्टेंट है, मैं ये लिखवा देती हूँ हिंदी में आपको, ताकि हिंदी वाले मीडियम वाले बच्चों को कोई दिक्कत ना हो, ठीक। एनाटमी जब तक दिमाग में ना घुसा दूँ मुझे अच्छा नहीं, समझ में नहीं आता है कि बच्चों को ऐसे ही छोड़ दो, ऐसे नहीं छोड़ सकती मैं, तो नहीं छोड़ सकती। वेट, बता रही हूँ, लिखिए टेस्टिस का नाम लिखिए वृषण और स्क्रॉटम को लिखिए वृषण कोश, ठीक है। ये है स्क्रॉटम, ये स्क्रॉटम है, इसके अंदर ये टेस्टिस है, ठीक है। टेस्टिस को बोलते हैं वृषण, वृषण, ठीक। ये जो भैया इसने ऐसे ढक के रखा हुआ है तो वृषण कोश, वृषण कोश, ओके। स्क्रॉटम को बोलते हैं स्क्रॉटम, जो कि पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें टेस्टीज रहती हैं। इसके अलावा मैंने क्या बताया है आपको, हमने किसकी बात करी है अभी तो एपिडिडाइमिस, शुक्रवाहिनी, इसकी सबकी बात ही नहीं हुई, सेल्स की इसमें बताया नहीं, सेल के बारे में। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को शुक्र प्रणालिकाएँ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शुक्र प्रणालिकाएँ, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो मैंने आपको बताई थी ना, इन्होंने इसका नाम तो दिया ही नहीं है। वृषण में प्रत्येक पुरुष की उदर गुहा में मूत्रेंद्रिय के मूल भाग के नीचे शुक्र ग्रंथियों का एक जोड़ा लटकता रहता है, दोनों शुक्र ग्रंथियां एक मुलायम त्वचा द्वारा ढकी रहती हैं, इसको वृषण कोश, अंडकोश, हाँ अंडकोश भी बोलते हैं, स्क्रॉटम और टेस्टिकल कहते हैं, ये लिख लो भाई इंपॉर्टेंट है। स्क्रॉटम को टेस्टिकल भी बोलते हैं, टेस्टिकल भी बोलते हैं इंग्लिश में, वृषण कोश बोलते हैं, अंडकोश भी बोलते हैं, ठीक है, अंडकोश भी बोलते हैं, टेस्टिकल भी बोलते हैं इंग्लिश में स्क्रॉटम को। प्रत्येक शुक्र ग्रंथि में अंदर की ओर कई त्रिकोणीय आकार के कोष्ट होते हैं, जिसको मैंने बताया टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं, जिनको शुक्र प्रणालिकाएं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बोलते हैं। अच्छा ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का नाम है शुक्र प्रणालिकाएं, ये जैसे अब इसके अंदर जो ये लोब्यूल्स होते हैं इनको टेस्टिकुलर लोब्यूल बोलते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर आपके ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है जो कि स्पर्म बनाता है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का नाम है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का नाम है आपके ट्यूब्यूल्स का नाम है शुक्र प्रणालिकाएं, शुक्र प्रणालिकाएं, ओके।
क्योंकि ये शुक्राणु बनाएंगे इसलिए शुक्र प्रणाली का है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है। और इसी में आपके, मैंने बताया लीडिंग सेल को लीडिंग सेल्स ही बोलते हैं, इसी में आपके जो है ये जो आपके टेस्टिकुलर लोब्यूल हैं 250 पाए जाते हैं, यहीं पर आपके ऐसे लीडिंग सेल्स पाए जाते हैं, लीडिंग सेल को लीडिंग सेल ही बोलते हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स बोलते हैं जो कि टेस्टोस्टेरोन बनाएंगे। ओके गाइस, इतना ठीक है, आज समझ में आ गया। अब हम कल जो है समझेंगे क्या बोलते हैं कि कैसे जो है ये स्पर्म बनता है, ठीक है, वो सॉरी स्पर्म मेटाजेनेसिस तो बाद में पढ़ेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अभी पूरा रह गया है कि ये एपिडिडाइमस कहाँ है, क्या बोलते हैं ये कौन कौन सी ग्लैंड्स हैं, मैं अभी तो मैंने केवल आपको टेस्टिस पढ़ाया है, कल एसेसरी डक्ट्स और ग्लैंड्स क्या काम करती हैं, सीमन क्या होता है, ये सब हम जान लेंगे। ओके, तो चलो भाई लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नेक्स्ट टॉपिक क्या, यही टॉपिक कंटिन्यू रहेगा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। चलो बाय, क्लास पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना, थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।